हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश। गाइस, ये है एक नॉर्मल सी कैपेसिटर जो कि हमारे घर में जो नॉर्मल फ़ैन आती है, मतलब सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन जो भी आता है उसके अंदर ये नॉर्मल वाला कैपेसिटर होता है। एंड इसका साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा है। आप जो मेरे फेस से कंपेयर कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर कितना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन गाइस, आज मेरे पास में है इससे भी ज़्यादा बड़ा एक कैपेसिटर। आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, आप जो है मेरे फेस से भी शायद कंपेयर कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर एंड ये कैपेसिटर में कितना ज़्यादा अंतर है साइज का। एंड साइज का अंतर है मतलब इन दोनों में पावर का भी अंतर होना चाहिए। एंड पावर का अंतर है मतलब इन दोनों का जो सर्किट है वो भी अलग होना चाहिए। तो गाइस, आज हम इस बड़े वाले कैपेसिटर को काट के देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या कुछ होता है। आप जो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। मैंने सोचा कि गाइस, इसको काटने से पहले एक बार आपको इसका पावर भी टेस्ट करके दिखाते हैं। ये जो तार है गाइस, ये मैंने पहले ही 220 वोल्ट एसी में देके इसको चार्ज कर लिया है। अब जो है इसको टच करते हैं। गाइस, आपने देखा कितना ज़्यादा साउंड हुआ एंड बहुत ही ज़्यादा रोशनी यहाँ पर पैदा हो गई। गाइस, हमने इसको फिर से एक बार अच्छे से चार्ज कर लिया। अब जो है फिर से एक बार देखना यहाँ पर कितना ज़्यादा रोशनी पैदा होती है। गाइस, आपने देखा कितना ज़्यादा रोशनी पैदा हुआ। मैंने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी देखा, शायद ये रोशनी कैमरा पर कैप्चर ना भी हो सकती है। ऑलराइट गाइस, इसको काटने के लिए हम यहाँ पर इस एंगल ग्राइंडर का यूज़ करेंगे। एंड गाइस, हम यहाँ पर इसको दो तरीके से काटेंगे। पहला जो तरीका है वो इसको गोल करके काटेंगे ताकि हमको यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा अच्छे से दिखे कि यहाँ पर क्या चीज़ है। एंड गाइस, हम जो है दूसरी बार इसको कुछ ऐसे काटेंगे ताकि हमको इसके अंदर का हिस्सा पूरा अच्छे से दिखे। ऑलराइट गाइस, हमने यहाँ पर इस कैपेसिटर को एक क्लैंप की मदद से अच्छे से फिक्स कर दिया है ताकि यहाँ पर इस कैपेसिटर को अच्छे से हम काट सकें। एंड गाइस, हमने यहाँ पर एक ग्लव्स का भी यूज़ किया है ताकि हमको जो है थोड़ा सा सेफ्टी भी मिल सके। अब जो है इसको काटना शुरू करते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चीज़ है, इसको काटने के बाद यहाँ पर जो है एक वायर भी मिला, जो वायर यहाँ पर काट के गिर चुका है। देख सकते हैं ये वाला वायर वहाँ पर था। एंड यहाँ पर एक सील भी हमको देखने को मिला ताकि ऊपर वाला जो ढक्कन है, ये रहा ढक्कन, ये ढक्कन अच्छे से यहाँ पर फिक्स रहे ताकि ये ढक्कन कोई आसानी से खोल ना पाए। अब जो है गाइस, इसको यहाँ से काटना शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको बहुत ही मुश्किल से इसको यहाँ पर से काट लिया है। अब जो है यहाँ से इसको बाहर निकलते हैं गाइस। ये देखो, ये जो है बहुत ही मुश्किल से गाइस आधा ही हमने काट चुका है। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चीज़ है, ये पूरा एक ग्लू की मदद से सील किया हुआ था। अब जो है गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि ये इसको यहाँ से काट ले ताकि हमको इसका अंदर का लुक तो देखने को मिले। ऑलराइट गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा वाला कैपेसिटर के अंदर क्या कुछ होता है। सबसे पहले तो इसका आउटर बॉडी जो कि इसको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है एंड इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन को लीक नहीं होने देता। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आउटर बॉडी कुछ ऐसे था। एंड इसके ऊपर का ढक्कन जो कि इसको और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है, जो कि कुछ ऐसे था। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो कि इसका मेन पार्ट है। यहाँ पर जो गाइस आपको ब्लैक ब्लैक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये जो चीज़ है इसके अंदर ही सारा जो है इलेक्ट्रॉन स्टोर होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक चीज़ है, ये पूरा देख सकते हैं। मैंने जो छोटा वाला कैपेसिटर खोला था उसके अंदर तो गाइस थोड़ा सा ही था, लेकिन इसके अंदर भाई पूरा देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं, ये देखो बहुत ही ज़्यादा है। अब जो दूसरे वाले को भी खोल लेते हैं। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉइल है। ये जो है गाइस, मेरे को लगता है एल्युमिनियम का या फिर कुछ और मेटल का होगा, मेरे को पता नहीं कि ये किस मेटल से होता है। आई थिंक ये एल्युमिनियम का ही होगा, एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक का कॉम्बाइन फोल्डर, मतलब कॉम्बाइन फॉइल। आप यहाँ पर देख सकते ये जो फॉइल है गाइस, ये पूरा अच्छे से निकल गया है। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत है। आप जो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, कितना ज़्यादा एल्युमिनियम फॉइल है,
देख सकते हैं, ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है गाइस, इसी के अंदर जो है सारा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मतलब आप जो है इसको जो भी वोल्टेज देते थे वो इसी के अंदर स्टोर होके रहता था। एंड ये चीज़ जो है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पर इसके अंदर भी ये चीज़ है, ये जो चीज़ है गाइस, ये निकलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि भाई ये जो चीज़ है ये हमने तो नहीं काटा। एंड एक बड़े वाले कैपेसिटर के अंदर कुछ इतना ही चीज़ होता है। एंड गाइस यहाँ पर एक दो वायर भी हमको मिला था जो कि इसके अंदर से निकला था। एंड यहाँ पर इस वायर को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का पीवीसी वायर का भी, मतलब पीवीसी एक पाइप का भी यूज़ किया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लिए छोटा सा लाइक कर देना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी जल्दी से दबा देना ताकि ऐसे मस्त मस्त इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।